Morning friends, this is Muhammad Sajid Khan. I have help from India, state of Bihar in Siwan district. Today I will discuss about vocabulary, how to learn vocabulary. Friends, firstly I will pronounce all the vocabulary, then I will tell you with the Hindi meanings. So let's start with our pronunciation. The first vocabulary is that touch wood. Evil eye, catch the evil eye. Friends, यहाँ पे catch the evil eye, यहाँ पे the नहीं the बोलेंगे. क्यों the बोलेंगे? क्योंकि इसका अगला जो ये word है evil, ये इस start है और इसके पर है आपका the जो है, ये the और the जो है इसको मैं the करूँगा क्योंकि ये आर्टिकल है, आर्टिकल है, आर्टिकल में ये आपका डिफरेंट आर्टिकल है जो एविल के पहले है, यानी कोई भी वॉयल के पहले अगर द या दी टी एच रहेगा तो उसे द पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे, और कोई भी कंसोनेंट वर्ड के पहले अगर आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल टी एच ई रहेगा तो उसको द पढ़ेंगे. सो स्टार्ट कैच द सॉरी कैच द एविल आई, देन वार्ड ऑफ एम्यूलेट charm, cast the evil eye. Friends, again, जो evil है वो आपका vowel है तो इसीलिए cast the evil eye को बोलेंगे. Cast off the evil eye, इसको भी friends इसलिए the बोलेंगे क्योंकि उसका अगला word evil है और जो आपको vowel से शुरू होता है. Remedy, jinx, good omen. दोस्तों यहाँ पे मैंने मार्का इसलिए किया है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इसको ओमेन बोलते हैं. डब्ल्यू ओ एम ई एन, ये वीमेन है, वीमेन है, ये ओमेन है. इसके मतलब दोस्तों कि कोई भी गुड मतलब थिंग समझे अच्छा शगुन वगैरह होता है, और इसके मतलब लेडीज होता है, औरत होता है, यानी इसका मस्कुलिन मेल है और फेमिनिन वुमेन होता है. ऑस्पिशियस टाइम, इन ऑस्पिशियस टाइम सुपरस्टिशंस, कर्स, ब्लेसिंग्स, ग्रेट मैजिक वांड, सुपरस्टिशियस, नॉक और उस ग्रेस. फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सुपरस्टिशंस है और यहाँ पे आप देखेंगे सुपरस्टिशियस है, यानी यहाँ से आपको डिफरेंस मिलेगा. फ्रेंड्स मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूँ वन बाय वन कि इसका मीनिंग क्या है. चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ टच वुड. टच वुड का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि नज़र लग जाना, कोई भी बोलता है ना उसे नज़र लग गया, ही गॉट टच वुड, ही कैच द टच वुड, यानी उसको नज़र लग गई है. देन दोस्तों एविल आई, एविल आई का मतलब ये होता है दोस्तों, एविल आई का मतलब होता है बुरी नज़र वाला, जिसका नज़र सही ना हो, वो किसी को देखता है या कुछ नज़र से गौर से देखता है या कुछ भी करता है तो मतलब वो अगला जो मतलब जिसको देखता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी उसके साथ अनफॉर्चून होने लगता है, बदकिस्मती होने लगता है. देन दोस्तों कैच द एविल आई, इसका मतलब ये होता है कि बुरी नज़र लग जाना. देन दोस्तों वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ होता है कि किसी भी चीज़ से बचना, यानी मतलब आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है उससे आप वार्ड अप हो रहे हैं, यानी बच जा रहे हैं, यानी बुरी नज़र से बच जाना, एक्सीडेंट से बच जाना, जो भी मतलब आपके साथ अनलकी इनफॉर्चून वाला जो भी काम हो रहा है उससे आप बच जा रहे हैं, उसी को वार्ड अप बोलते हैं. देन दोस्तों एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब ये होता है दोस्तों ताबीज, जो गले में ताबीज पहनते हैं उसको एम्यूलेट बोलते हैं. जैसे ये दोनों रिलीजन में मतलब ऑलमोस्ट सारे रिलीजन में चलता है, स्पेशली एम्यूलेट का सिस्टम मुस्लिम रिलीजन में चलता है, यानी मुसलमान में. देन दोस्तों चाम, चाम के मतलब होता है नज़र पट्टी, नज़र बंद, किसी को पर नज़र कर देना, नज़र पट्टी कर देना, नज़र बंद कर देना, यानी नज़र लगा देना, मतलब नज़र लगा देना, कोई लड़का पढ़ने में तेज है उसको नज़र बंद कर देना, नज़र पट्टी करवा देना कि वो पढ़ाई से उसका दिल हट जाए, वो पढ़ना लिखना छोड़ देना, यानी कोई भी इंसान सक्सेस कर रहा है उसके ऊपर चाम कर देना, यानी नज़र बंद कर देना कि वो उसे मतलब वो पढ़ना लिखना छोड़ दे, यानी अपने कामयाबी से भागने लगे.
देन दोस्तों कास्ट द एविल आई, कास्ट द एविल आई का मतलब होता है दोस्तों कि बुरी नजर लग जाना, बुरी नजर लगाना है किसी को। यानी मतलब दोनों बोल सकते हैं कि बुरी नजर किसी को लग गया या किसी के ऊपर बुरी नजर लगवा देना। देन दोस्तों कास्ट ऑफ द एविल आई, कास्ट ऑफ द एविल आई का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी पे बुरी नजर लगा हुआ है और उस पर से बुरी नजर को उतार देना, उस पर से बुरी नजर को हटा देना। किसी भी के ऊपर अगर बुरी नजर लगा है तो उस पर से बुरी नजर को हटा देना, लगा देना। रिमेडी, रिमेडी का मतलब दोस्तों ये होता है टोट में आजमाना कि अगर मैं ये करूँगा तो वो होगा, ये करूँगा वो करूँगा। यानी अपने आप को खुद से इमेजिन करना, खुद से सोच लेना कि हम ये करने जा रहे हैं तो ये हो गया, ये करने करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी सोच लेना कि अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं 1 किलोमीटर, तुरंत हम रास्ते में से वापस आ जाते हैं कि नहीं मैं घर जाऊंगा, घर से फिर ये कपड़ा चेंज करके जाऊंगा, नहीं तो ये हमारे साथ गलत हो जाएगा, आई विल गेट एक्सीडेंट। मतलब तरह तरह के अपने मन में अपने ख्याल में गलत गलत बातें लाना, अश्वास लाना, उसको बोले टोट में आजमाना। यानी ये काम करने से ये बेहतर होगा, ये काम करने से ये काम गलत होगा, उसी को रिमेडी बोलते हैं। जिंक्स, जिंक्स का मतलब ये होता है दोस्तों मनमुसीय। यानी मैं कोई काम करने जा रहा हूँ और किसी का फेस देख लिया तो मैं मान लिया किसका फेस देख लिया तो ये मेरा काम नहीं होगा, काम खराब हो जाएगा। देन दोस्तों गुड ओमेन, गुड ओमेन का मतलब ये होता है कि अच्छा शगुन, अच्छा कि मतलब किसी का मेरा काम नहीं होता है, हम किसी का फेस देख लिए तो मेरा काम हो गया। जैसे मेरा कोई काम नहीं होता था, एक दिन सुबह उठे मम्मी का फेस देखे और जाके एग्जाम दे दिया और मतलब आई विल गेट फर्स्ट, मतलब हम फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है मतलब हार्ड वर्किंग चाहिए लेकिन गुड शगुन भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए फर्स्ट होने के लिए, पाने के लिए। तो आप गुड वोमेन मतलब होता है शगुन, या बहुत टाइम हुआ है कि मैं अपने मम्मी का फेस देख के गया हूँ, आई गॉट फर्स्ट प्राइज और फर्स्ट पोजिशन और फर्स्ट रैंक इन द क्लास इन द आवर फील्ड। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मैं भी हूँ कि कहीं भी जाता हूँ मम्मी का फेस देख कर तो हमारे साथ बेस्ट होता है, मैं बेस्ट करता हूँ। देन दोस्तों ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस टाइम का मतलब होता है कि अच्छा समय चला है यार मेरे पास, तो ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है, मतलब अच्छा घर ही चल रहा है कि मेरे साथ हर सब कुछ अच्छा ही अच्छा ही होते जा रहा है, मतलब हमारे साथ हर चीज़ अच्छा हो रहा है। देन दोस्तों इन ऑस्पिशियस टाइम, इन ऑस्पिशियस टाइम का मतलब ये होता है कि अच्छा समय नहीं चला यार, मेरी हालत ख़राब है यार, मेरे साथ बुरी हालत चल रही है यार, मैं हर काम मेरा ख़राब हो रहा है, इस टाइप का। मतलब आपके साथ कोई भी काम अच्छा से ना हो, आपकी किस्मत साथ ना देती हो। देन सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास यानी बिना किसी चीज पे यकीन का उस पर विश्वास कर लेना। देन दोस्तों कर्स, कर्स का मतलब होता है दोस्तों बद्दुआ यानी शाप, श्राप, शाप देना किसी को, किसी को बद्दुआ देना, उस जाओ तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, जाओ ये हो जाएगा। यानी जब आदमी गुस्सा में आता है तो मम्मी पापा भी गुस्सा में आकर अपने बेटा को बोलते थे जाओ तुम कभी भी नहीं परिवर्तन, तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे, गेट लॉस्ट विल नेवर गेट सक्सेस, जाओ भाग में जाओ तुम कभी कामयाब नहीं होगे, इस टाइप के सेंटेंस में। देन दोस्तों ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी ब्लेस किसके ऊपर, किसके द्वारा होता है, गॉड के द्वारा होता है, अल्लाह के द्वारा। ब्लेस कौन करता है, अल्लाह करता है, अलमाइटी करता है, गॉड करता है। देन दोस्तों ग्रेट, ग्रेट मीन्स दुआ होता है, ग्रेट मीन्स दुआ होता है, दुआ लेना। दोस्तों यहाँ पे आप कर्स के साथ एक साइन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतलब पाप होता है, ठीक है, यानी बद्दुआ, पाप वगैरह उस टाइप के। देन दोस्तों ग्रेट मतलब दुआ होता है, स्पेशली मतलब अच्छे अच्छे कोई आपको दुआ देता है उसको ग्रेट बोलते हैं। देन दोस्तों मैजिक वांड, मैजिक वांड के मतलब होता है जादुई छड़ी, जादुई स्टिक। देन दोस्तों सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस का मतलब होता है वहमी, जो वहम में रहे, वहमी हमेशा वहम में रहे कि यह कैसा होता है, मतलब वहमी यानी जो बिना देखे विश्वास कर वहमी हो उसको बोलते हैं। देन दोस्तों नॉक और वुड, जो मैं आपको फर्स्ट वाला बता चुका हूँ टच वुड, उसी का मतलब होता है नॉक और वुड यानी नज़र लगाना। देन द लास्ट वन इज दैट ग्रेस, ग्रेस का मतलब भी आशीर्वाद होता है, वो किसका आशीर्वाद, जो पेरेंट्स का होता है, एल्डर्स का होता है, उसको आशीर्वाद बोलते हैं। दोस्तों देखिए इन दोनों आशीर्वाद में क्या अंतर है,
ब्लेस जो होता है अल्लाह का होता है, गॉड का होता है, अलमाइटी का होता है, लॉर्ड का होता है, और ग्रेस जो होता है ह्यूमन बीइंग का होता है, पेरेंट का, जस्ट लाइक पेरेंट, गार्जियन, एल्डर्स, ब्रदर, सिस्टर, मतलब कोई भी आपसे जो एल्डर है और आपके पेरेंट है उनका जो आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। दोस्तों इसी वर्ड के साथ मेरा आज का वोकैबुलरी खत्म हुआ। दोस्तों अगर देखिए सबसे पहले वोकैबुलरी को कैसे प्रोनंसिएशन किया जाता है मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये दोस्तों ये आपके स्पेलिंग होते हैं VOCABULARY वोकैबुलरी, हम आपको बहुत टाइम बता चुके हैं दोस्तों, एक बार और बता रहे हैं। देखिए इसको बोलिए ओ कैब लरी, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। जैसे वो बस लड़ी, वो बाइक लड़ी, वो साइकिल लड़ी, वो कार लड़ी, उसी तरफ वो कैब लड़ी, वो कैब लड़ी। अब इस तरह इसको आपको इस तरह नहीं बोलना है स्लैंग के साथ, ओ कैब लड़ी, इसी को बोलना कैब लड़ी, वो कैब लड़ी, वो कैब लड़ी, ठीक है दोस्तों। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जैसे ये दोस्तों अमेरिकन हो गए, अमेरिकन तो लोग इसको अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ए को खा जाना है, ए को खत्म करना है, ऐसे बोले अमेरिकन, अमेरिकन, अभी नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला आपको अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिकन। कोई भी आपको, ये मेरा कॉन्फिडेंट है और एक्सपीरियंस है कि कोई भी आपको नहीं पकड़ सकता कि आप ए नहीं बोल रहे हैं। आपकी प्रोनंसिएशन बेस्ट कब होगी, जब आप ए को नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे अमेरिकन, अमेरिकन, तो आपका जो साउंड होगा अमेरिकन का निकलेगा, इस तरह आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। दोस्तों एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर, मैंने सब्सक्राइब किया हो तो उसके बगल में, आपके सब्सक्राइब के बगल में एक बेल होगा, उस पर क्लिक कर दे कि जो मेरा नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अराइज कर सकते हैं, ये अराइज किया कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न मिलेगा। थैंक्स फॉर हैविंग मी, दैट्स ऑल।